ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन एमजी एक नई गाड़ी बाजार में आज लेके आया है, यूनिक 7। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एमजी मोटर्स से राजीव छाबा हैं। सर, कुछ बताएं इस बेहद खूबसूरत गाड़ी के बारे में। काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, भारतीय सड़कों पे कब नज़र आएगी? सो एक्चुअली मोर देन लंबी चौड़ी, आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रोजन। सो कल हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड्स को दिखाया था कि वो टेक्नोलॉजीज़ कैसे हैं हमारे पास, और प्लान बताए थे कैसे हम लॉन्च करेंगे। दिस इज़ ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। तो इसकी ब्यूटी ये है कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अभी तक कमर्शलाइज लार्ज स्केल पे कहीं नहीं हुई है। हमारी ये थर्ड जनरेशन है फ्यूल सेल का, यू नो, जो आप इम्प्रूव करते जाते हैं, एंड फोर्थ जनरेशन हम करने जा रहे हैं। जो इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी हमने करीब करीब 3000 सेल्स को बेच चुके हैं। वी फील स्लोली 4000 ए ईयर और 4500 ए ईयर विल बी स्टार्ट सेलिंग इट ग्लोबली, बट ये बहुत ही हाई प्राइस पे अभी है। इसको कमर्शलाइज करने के लिए प्राइस नीचे आना पड़ेगा अगले 4-5 साल में। तो अभी फ्रेंकली इसको इंडिया में लॉन्च करने का प्लान नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट हाइड्रोजन को पुश कर रहे हैं और जिस हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी में इंडिया में बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस जो हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखने पड़ेंगे। तो ट्रक्स में जाते हैं, डिलीवरी वैन्स में जाते हैं, इस तरह की व्हीकल्स में जा सकते हैं, फोकलिफ्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो शो में एक हमारा मैसेज है कि हम भी तैयारी करेंगे गवर्नमेंट के साथ में कि कैसे कैसे हम एप्लीकेशंस को लगा सकते हैं जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बननी शुरू होती है। अभी मैं देख रहा हूँ ऑटो एक्सपो में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं वेरियस कंपनीज की, वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और बड़ा फोकस है उसके ऊपर। अभी उसका फ्यूचर भी काफ़ी अनसर्टेन नज़र आता है क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस उतने नहीं हैं भारत में, लोगों का जो अभी भी ध्यान है वो डीजल और पेट्रोल पर है। ऐसे में हाइड्रोजन आपके अनुसार कब तक भारत में एक सफल तरीके का फ्यूल एज एन यूज़ हो पाएगा? एक चीज़ पहले मैं अपना व्यू देना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपने बोला अनसर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है। गवर्नमेंट का डायरेक्शन बहुत क्लियर है और गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ईवी को अब सब लोगों को लेके आना पड़ेगा। एंड अगर आप देख रहे होंगे हर मैन्युफैक्चरर अपनी ईवी की, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उसमें हाँ मास में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर दूँ कि आज से 3 साल पहले सिर्फ 2000 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होती थी साल की, लास्ट ईयर 50,000 गाड़ी बेची हैं, इस बार 2023 में हम उम्मीद कर रहे हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख ईवी बिकेगी। तो अभी भी एज ए परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री कम है, बट काफ़ी फास्ट ग्रोथ है। तो हाइड्रोजन फ्रेंकली अभी अगले 4-5 साल में तो कमर्शलाइजेशन नहीं होगा इंडिया में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, लेकिन अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें, और इसी ऑटो शो में कई लोगों ने अपना शोकेस किया हुआ है कि एक हाइड्रोजन इन आइस है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, वो टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही हैं। तो इंडिया में हाइड्रोजन का काफ़ी स्कोप है एंड मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हम इस वैन को हो सकता ना ला पाएं, लेकिन जो हमारा फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है उसको हम ट्रक्स के एप्लीकेशंस में और आगे अगले 3-4-5 साल में लगा सकते हैं, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत संक्षेप में कुछ खास बातें इस गाड़ी की आप बता पाएं? इसमें जो सिलेंडर हैं, 3 सिलेंडर हैं नीचे, सिलेंडर की कैपेसिटी 6 kg की है, तो 1 kg में ब्रॉडली 100 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, तो 600 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है हाइड्रोजन फिलिंग के बाद में। तो इसका जो कोई पोल्यूशन नहीं है, जो इसका एंड रिजल्ट है पॉल्यूटेंट निकलता है, पानी निकलता है। अच्छा। तो इट इज़ लाइक ना कोई धुआं, ना कोई धुआं, सिर्फ पानी निकलता है। तो यू नो, तो इसमें ये बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यू नो टेक्नोलॉजी है, और अभी एज आई सेड वेरी कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ये प्रोडक्शन रेडी व्हीकल है। आप लोगों के सामने स्टेज पे चला के लाए थे इसको, तो ये नहीं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, भविष्य में देखिए। राइट, थैंक यू।